महाकाली के तीन रूप है ऐसे एक कैसेट में कहा है, है। काला, नीला और हरा। हाँ जी, तो इसका अभी एक प्रश्न आया इधर। दुर्गा महाकाली बनती है, जब दुर्गुणों को दूर करने वाली बनती है तो उसका अच्छा रूप है या बुरा रूप है? है अच्छा रूप है। और जब महाकाली बनती है तो काला रूप सामने आता है या अच्छा रूप सामने आता है? काले का मतलब क्या है? काला मुंह वाला, इसने काला मुंह कर लिया, काले कर्मों की निशानी है काला मुंह। तो वो काल भी है, महाकाली कही जाती है महाकाल के साथ, इसलिए काला रंग भी है। और क्रोध में भी आती है, जब क्रोध में आता है तो बाबा ने कहा अपने को चांडाल समझो, नाम ही क्या दिया है मुरली में, चंडिका देवी। तो चेहरा नीला दिखाया गया है, उसको कहते हैं सांवरा। और जब वो अपना काम पूरा कर लेती है और आंखें खुलती हैं, मैंने ये क्या किया, तो नई दुनिया की हरियाली तैयार होने लगती है। पश्चाताप करने से सब विकर्म नाश हो जाते हैं। कहते हैं कि श्रावण के अंधे को क्या सूझता है, जहां देखेगा वहां हरा ही हरा देखेगा। तो ये ब्रह्मा की आत्मा का पार्ट है जगदम्बा के रूप में, उसने गोरे से गोरा पार्ट भी बजाया ब्राह्मणों की दुनिया में, बेसिक नॉलेज में कोई को दुख दिया? मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, वाइब्रेशन से कोई का बुरा सोचा? नहीं सोचा। तो कैसा पार्ट कहेंगे, गोरा पार्ट कहेंगे या काला कहेंगे? गोरा पार्ट। और जिसने इतना गोरा पार्ट बजाया है उसके साथ बच्चों ने कैसा सलूक किया, अच्छे से अच्छा सलूक किया या प्राण ही ले लिए? प्राण ले लिए। ऐसे बच्चों के साथ हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतयुग में यही पूरा होगा। तो वही आत्मा महाकाली का रूप धारण करती है और दूध का पानी हो जाता है।